hi all this video is for a standard 7 chapter 3 so in this chapter fiber to fabric we have already completed two chapters now this is the third chapter for a standard 7 science in this chapter we are going to learn about introduction introduction means fiber how we are getting fiber from where we are getting and fiber to fabric when we are getting fiber then how we are preparing fabric so this is very important chapter to know about the fiber to fabric what is the process and from where we are getting these things so there are two type of fiber one is man made one is man made and another is animal fiber one is man made fiber that is prepared by the man means we are having a small units and factory then we prepare the same man-made fibers rayon nylon polyester these all comes under man-made rayon it is very important which we will learn about in video in detail nylon we are wearing the clothes is on this polysters many uses of polysters so we are going to learn in detail in video. Then acrylic fiber. Acrylic fiber is being made. Then animal fiber. Under animal fiber, we are having different different fiber. So one is important wool and silk. Silk, you might be knowing that silk is, is very important, cloth which is being most of widely used in um, in world and silk is being लॉथ इज बींग प्रोड्यूस्ड बाई चाइना ठीक है तो चाइना ने सिल्क में बहुत अच्छा काम किया था सिल्क क्लॉथ इज बींग हैविंग वेरी हाई सेल इन इंडिया ऑल्सो अब जो एनिमल्स फाइबर में सिल्क आता है मैं यहाँ लिख देता हूं एक सिल्क है और एक ऊल है तो ऊल के अंदर ऊल अंगोरा मोयर रफ एंड मेरिनो। अब ये सब ऊल के बारे में हम डिटेल में जानेंगे कि लैम्ब रूल किसको कहेंगे अंगोरा अंगोरा इज द नेम ऑफ ब्रीड ऑफ द सीप। मोयर रफ एंड मेरिनो। मेरिनो इज नॉट इंडियन सीप। बेसिकली उल वी आर गेटिंग फ्रॉम सीप और वो हमको उल मिलता कैसे है वो हम अभी इसमें डिटेल में जाएंगे अंगोरा सिल्क दिस इज ए काइंड ऑफ ब्रीड विच इज इन इंडिया मोयर है एंड रफ है एंड मेरीनो मेरीनो बेसिकली ये स्पेन स्पेन और ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो शिप होता है उसका जो ब्रीड है उसका नाम है मेरिनो तो मेरीनो नाम आपने सुना होगा मेरीनो ऊल यूज टू बी वेरी कॉस्टली ठीक है और जो अंगोरा है दिस इज ऑल्सो वेरी कॉस्टली अंगोरा है दिस इज ऑल्सो वेरी कॉस्टली जहाँ का क्लाइमेट काफ़ी कोल्ड होता है वैसे जगह के लिए ये अंगोरा वगैरह यूज़ किया जाता है और जैसे हमारे गुजरात का है तो गुजरात में वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ यहाँ पे उतना ठंड पड़ता नहीं है आवर इन्वायरमेंट इज लिटिल डिफरेंट तो यहाँ पे उतना ज़्यादा उलिन जो कपड़े होते हैं उनका यूज नहीं होता है तो वी आर गोइंग टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट मैन मेड एंड एनिमल मैन मेड फाइबर एंड एनिमल फाइबर देन हाउ वी आर गेटिंग द ऊल And what is the process of wool? Chalo, let's see the video. Hi all. <coughs> this video is for a standard seven, fiber to fabric. Uh, so already two chapters is completed. Now this is chapter third, fiber to fabric. So in this chapter we are going to learn lot of things.

दे आर लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्ड्स ऑप्टेंड आइदर फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और केमिकली सिंथिसाइज फाइबर्स ऑफ योर फैब्रिक्स डीफर विथ सीजन एंड ओकेजन हियर वी विल स्टडी अबाउट मैन मेड एंड एनिमल फाइबर देखो फाइबर दो टाइप के होते हैं एक होता है मैन मेड और एक होता है एनिमल फाइबर अब क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर क्या होते हैं नेचुरल फाइबर आर थ्रेड्स ऑप्टेंड फ्राम प्लाट एंड एनिमल्स कॉटन फ्लैक्स एंड जूट आर ऑल प्लांट फाइबर उल कम्स फ्राम एनिमल्स सच अप गॉट एंड यार्क इट इज सी वियर एज सिल्क कम्स फ्राम सिल्क वॉर्म सो ऊल एंड सिल्क आर एनिमल फैब्रिक सो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले कि दो टाइप के होते हैं एक होता है मैन मेड और दूसरा होता है एनिमल फाइबर अब जो मैन मेड होते हैं मैन मेड के अंदर कुछ प्लांट से भी बनते हैं फाइबर कुछ एनिमल से बनते हैं फाइबर तो मैन मेड जो फाइबर होते हैं वो कौन से होते हैं रेन नायलॉन पॉलिस्टर और एक्रैलिक ये जो फाइबर्स होते हैं दीज आर बींग मेड बाई द मैन एंड हाउ इट इज़ बींग मेड वो हम प्रोसेस देखेंगे जैसे रेन ठीक है देखो यूज़ हम सब करते हैं उन्हें डेली लाइफ वी यूज़ टू फॉर दीज काइंड ऑफ थिंग्स बट हमको इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानना होता है कि रेन क्या है नाइलॉन क्या है पॉलिस्टर्स क्या है करैलिक क्या है अब देखो रेन है तो रेन हैज़ ए सिल्की टेक्स्चर देयर फॉर रेन इज ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क रेन इज मेडअप ऑफ सेल्यूलोर्स ऑप्टेंड फ्राम वुड पल्प अब इसकी यूजेज क्या है रेन इज यूज कहाँ यूज होता है इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर मेकिंग फाइब्रिक्स इन द मैनुफैक्चर ऑफ़ कारपेट्स फॉर द मैनुफैक्चर ऑफ टायर कोड फॉर मेकिंग बैंडेज एंड सर्जिकल ड्रेसिंग अब देखो ये ये चीज़ें बहुत कॉमन हैं, विच यू ऑल नो और आप सबको पता होगा कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है उसमें फाइबर यूज़ होते हैं क्योंकि जो फाइबर हैं उनसे ही क्लॉथेस बनते हैं तो इनका बहुत बड़ा यूज़ होता है टेक्सटाइल यूनिट्स में इन द मनुफैक्चरिंग ऑफ कार्बेट यानी कारपेट जब हम बनता है उसके अंदर भी यूज़ होता है फॉर द मैनुफैक्चर ऑफ टायर कॉर्ड यानी आपको देखना हो गाड़ी के जो टायर होते हैं उनके अंदर जो आ, फैब्रिक यूज़ किया जाता है वो भी रियोन ही होता है क्योंकि टायर के अंदर क्या होते हैं दो टाइप का होता है एक होता है नायलॉन टायर और एक होते हैं एक नायलॉन टायर्स जो होते हैं उनके अंदर नायलॉन फैब्रिक यूज़ किए जाते हैं ठीक है तो ये टायर बनने में भी इनका यूज़ किया जाता है जो आप देखते हैं हाई रेटेड स्पीड की जो टायरें बनती हैं उसके अंदर ये सब चीज़ें यूज़ की जाती हैं फॉर मेकिंग बैंडेज एंड सर्जिकल ड्रेसिंग और आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स वगैरह में इट इज़ वाइडली यूज बैंडेज और सर्जिकल ड्रेसिंग उसमें भी यूज होता है अब हम आते हैं नायलॉन देखो नायलॉन रिजम्बल्स सिल्क एंड उल प्रॉपर्टी नायलॉन कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी थिन फाइबर ये जो होते हैं ना बहुत ही पतले होते हैं ठीक है और नायलॉन डज नॉट एब्जॉर्ब वाटर लेकिन नायलॉन के अंदर क्या होता है वो वाटर को एब्जॉर्ब्स नहीं करते नायलॉन इज रिंकल्ड रेसिस्टेंस नायलॉन के ऊपर क्या होता है रिंकल्स नहीं पड़ते हैं यानी जो कपड़े में मरोड़ आ जाते हैं ना वो नहीं होता है नायलॉन इज एबरेजन रेसिस्टेंस नायलॉन इज नॉट अटैक्ट बाई फंगस मोथ नायलॉन जो कपड़ा होता है उसके अंदर कोई जो फंगस होते हैं वो सब नहीं लगते हैं नायलॉन इज़ इंसॉलेबल इन ऑल कॉमन सॉलमेंट ठीक है नायलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग बहुत मजबूत होते हैं नायलॉन्स फाइबर्स आर इलास्टिक ठीक है अब इसके यूजेस क्या होते हैं नायलॉन इज यूज फॉर द मेनुफैक्चरिंग टायर कॉर्ड फैब्रिक एंड रोप्स बहुत सारे प्लास्टिक से जो रोप बनते हैं वो बनते हैं कॉर्ड बनते हैं फैब्रिक बनता है मेकिंग फिशिंग नेट्स एंड पैरासूट्स रॉप जो आपने देखा होगा प्लेन से पैरासूट जो यूज़ किया जाता है उसके अंदर भी ये यूज़ होता है फेब्रिकेटिंग सीट्स इसके बनते हैं ठीक है ब्रशेज बनते हैं जो पेंट में यूज़ होता है ब्रश वो बनते हैं मेकिंग साड़ीज साड़ी बना बनता है इसका सॉक्स होता है ठीक है मेकिंग एलास्टिक होजियरी के सामान बनते हैं जो पैंट डेली यूज़ के पैंट होते हैं मेकिंग मशीन पार्ट्स और मशीन के भी पार्ट्स बनते हैं पोलिस्टर पोलिस्टर में अलग अलग टाइप के कपड़े होते हैं जैसे टेरेलिन होता है डेक्रोन होता है एंड टेरेंस होता है टेरेंस आर पोलिस्टर्स फाइबर पोलिस्टर्स आर मेड फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट पोलिस्टर्स जो होते हैं वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बने होते हैं ठीक है अब इसके हम प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं पोलिस्टर्स फाइबर एब्जॉर्ब्स वेरी लिटिल वाटर पोलिस्टर्स जो फाइबर होते हैं एबजॉर्व वेरी लिटिल वाटर देयर फॉर क्लॉथ इज मेड ऑफ पोलिस्टर्स ड्राई क्विकली आफ्टर वॉसिंग इसलिए पोलिस्टर के कपड़े जैसे ही हम लोग साफ़ करते हैं वो थोड़ा ड्राई हो जाते हैं पोलिस्टर्स आर रिंकल्ड रेसिस्टेंस पोलिस्टर होते हैं वो रिंकल फ्री होते हैं देयर फॉर द फेब्रिक्स मेड फ्राम पोलिस्टर्स रिटेन देअर क्रीज इनका जो क्रीज है वो बहुत मेनटेन रहता है यानी आप जो आयरन करके क्रीज बैठाते हो दैट इज टू बी लॉन्गर टाइम पोलिस्टर्स फाइबर्स आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग ये मजबूत भी होते हैं सो द फैब्रिक्स मेड फ्रॉम पोलिस्टर्स लास्ट लॉन्गर इससे जल्दी कपड़ा ये फटता नहीं है यूजेज इसके क्या होते हैं तो पोलिस्टर्स आर यूज फॉर मेकिंग सेल्स ऑफ सेलिंग बोट्स ठीक है यानी जो बोट है उसके अंदर जो रोप यूज किए जाते हैं दीज आर बींग यूज बाई पोलिस्टर्स ऑनली और फॉर मेकिंग वाटर होसेस फॉर फायर फाइटिंग ऑपरेशन ये जो आप देखते हो कि जब आग लगता है तो फायर फाइटिंग्स के लिए जो वाटर के होस यूज किए जाते हैं दिस इज ऑल्सो बींग मेड विद द पोलिस्टर्स थ्रेड फॉर मेकिंग कन्वेयर्स बेल्ट बेल्ट के लिए भी यूज किए जाते हैं फॉर मेनुफैक्चरिंग सारीज ड्रेस मटेरियल्स कटन क्लॉथ फॉर मेकिंग ब्लेंड्स विथ अदर फाइबर एज फॉर एग्जाम्पल टेरलिन विथ कॉटन गिवस ट्राईकॉट इसमें क्या होता है जो टे जो पोलिस्टर्स के फैब्रिक होते हैं वो और कॉटन को मिक्स करके जो एक थर्ड फैब्रिक्स बनता है दैट इज़ कॉल्ड टेरेलिन उसको बोला जाता है टेरी कॉट विथ ऊल इट गिव्स टेरी ऊल अगर मान लो पोलिस्टर्स को ऊल के साथ मिक्स करके बनाया जाएगा तो वो कहलाएगा टेरी ऊल क्लॉथ इज़ मेड फ्रॉम ब्लेंड्स आर मोर कम्फर्टेबल टू वियर जैसे कपड़े पहनने में बहुत अच्छे होते हैं एक्रैलिक फ़ाइबर कौन से होते हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं एक्रैलिक फाइबर हैज़ सिमिलर फील टू दैट ऑफ ऊल जो एक्रैलिक रा, एक फ़ाइबर होते हैं वो ऊल जैसे ही होते हैं जैसे ऊल ऊल होते हैं जो ऊलन कपड़े होते हैं जो स्वेटर पहनते हैं हम लोग या ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं तो उसके जैसे ही होते हैं इट इज़ यूज फॉर मेकिंग स्वेटर्स उसके स्वेटर बनते हैं सॉल बनते हैं ब्लैंकेट्स होते हैं कारपेट्स बनते हैं तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि मनुफैक्चर होती हैं एक्रैलिक फ़ाइबर से अब जो मैन मेड था वो हमने अभी स्टडी कर लिया ठीक है अब हम लोग देखते हैं एनिमल फाइबर एनिमल फाइबर कौन कौन से होते हैं ऑल एनिमल्स फाइबर आर मेड फ्रॉम प्रोटीनस हेयर ऑन द बॉडी ऑफ मोस्ट एनिमल इज कैरेटीन ए टफ प्रोटीन मटेरियल हेयर ऊल फीदर क्लॉज नेल्स एंड हॉर्न्स आर मेड फ्रॉम कैरेटीन सिल्क कम्स फ्रॉम कोकोन ठीक है सिल्क जो बेसिकली सिल्क का कपड़ा जो जैन लोग होते हैं देव टू तो प्रिफर सिल्क ओनली पूजा करने के लिए तो ये सिल्क कपड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बड़ा फेमस होता है काफ़ी महंगा होता है सस्ता भी होता है तो दिस इज बींग मेड बाई कोकॉन ऑफ द सिल्क वॉर्म मोथ कंसिस्ट ऑफ टू प्रोटेन्स द सेरिसीन एंड द फाइब्रोइन लेटेस्ट स्टडी टू एनिमल्स फाइबर दैट इज ऊल एंड सिल्क अब इसका थोड़ा स्टडी करते हैं ऊल क्या होता है ऊल इज ऑप्टेंट फ्रॉम एनिमल्स ये एनिमल्स मिलता है जैसे सीप है कैमल है गॉट है याक है एंड अदर फरी एनिमल्स होते हैं अब ये बड़ा लंबा प्रोसेस होता है तो ये सारा कुछ हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे दीज एनिमल्स बीअर हेयर ऑन देयर बॉडी दे हैव ए थिक कोट ऑफ हेयर इनके जो बाल होते हैं ना बड़े मोटे होते हैं विच कैन ट्रैप इन लॉट ऑफ एयर टू कीप द एनिमल्स वॉर्म ऊल इज मेड ऑफ प्रोटीन ठीक है सोर्सेस ऑफ़ ऊल अब इसके सोर्सेस क्या होते हैं मतलब ऊल कहाँ से आता है तो कॉमन सोर्स ऑफ ऊल आर डिस्क्राइब्ड बिलो और कौन कौन से सोर्स है वो हम देखते हैं लैम्ब ऊल द ऊल विच कम्स फ्रॉम द बेबी सीप इज़ द लैम्ब ऊल द फाइबर इज एक्सट्रीमली सॉफ्ट लॉन्ग एंड हाईली क्रिम्पल्ड इट इज़ कंसिडर्ड टू बी सुपीरियर ऊल अंगोरा ऊल ये सब देखो तो कपड़े के क्वालिटीज़ भी हैं और ये कहाँ से मिलते हैं वो है अंगोरा उल द वेरी बेस्ट अंगोरा कम्स फ्राम अंगोरा रेबिट इट इज़ सॉफ्ट फ्री एंड वार्म फाइबर और इसी के नाम पर जो उलन बनता है ना उसको बोला जाता है अंगोरा उलन यानी जब आप जाते हो बाज़ार में बातें करते हो कि हमको उलन का कोई चीज़ लेना है बेसिकली इन गुजरात द एटमोस्फेयर इज़ वेरी डिफरेंट बट इफ यू गो टू द नॉर्थ साइड पीपल यूज टू हैव ए वेरी डिमांड ऑफ वेरी डिमांडेबल फॉर द उलेन आइटम्स तो वहाँ पे क्या है कोई स्वेटर है तो बोला है अरे ये अंगूरा ऊन का स्वेटर बना हुआ है दैट मीन्स दिस इज गोइंग टू बी वेरी हॉट तो बहुत ज़्यादा ठंड होगा तो भी यू विल नॉट बी एक्सपोज विद द कोल्ड मोहिर मोहिर स्पन फ्रॉम द फ्लेक्सी ऑफ द अंगोरा गॉट इट इज एक्सट्रीमली लाइट वेट एंड सीअर्स उल्स इंसल्टिंग प्रॉपर्टीज इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज रफ ऊल रफ ऊल कम फ्रॉम एज एंड डिजीज सीप्स कैमल एंड याक मेरीनो ऊल देखो इसके नाम पर मेरीनो कंपनी है जो कि दे आर मैनुफैक्चर ऑफ ऊल ये जो लिखा हुआ है मेरीनो ऊल ये इस टाइप ऑफ ऊल जहाँ से मिल मेरीनो कम सेम स्पेशल ब्रीड ऑफ सीप ये सिप का ही जाति का होता है पर इट इज लिटिल भी डिफरेंट फ्रॉम दिप ये स्पेन से आया हुआ है अपने इंडिया में फ्रॉम स्पेन एंड नाउ रियर्ड इन ऑस्ट्रेलिया इट इज़ टू बी कंसिडर्ड ऑफ सुपीरियर क्वालिटी जो मेरीनो ऊल होता है दिस इज वेरी कॉस्टली तो ये जो होता है ये एक डिफरेंट ब्रीड होते हैं जो स्पेन और ऑस्ट्रेलिया में होते हैं तो इसमें से दो तीन क्वालिटीज़ बहुत अच्छा होता है आप जान के रखो दिस विल बी नॉलेजेबल uh, थिंग्स एक मेरिनो ऊल और एक अंगोड़ा ठीक है दिज आर वेरी कॉस्टली अब एक देखो एक लिखा हुआ है फैक्ट फाइल के अंदर द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गॉट इज सॉफ्ट जो कश्मीरी गॉट होते हैं ना बड़े फेमस होते हैं इट इज़ ओवन इंटू फाइन सॉल्ट कॉल्ड पासमीना सॉल देखो तो ये पासमीना जो वर्ड है पासमीना सॉल पासमीना इज़ इज ए क्वालिटी ऑफ उल सो दिस इज़ यूज टू बी वेरी कॉस्टली और वेरी गुड so, आपको कितना भी ठंडा लगेगा और अगर आप पासमीना से बना हुआ सॉल आप यूज़ करते हो तो आपको बहुत गर्मी लगेगी बट दिज आर नॉट यूजफुल फॉर द प्लेसेस जहाँ पे कि गर्मी होती है जहाँ ठंड बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे ये अंगोरा मेरिनो ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं अब चलो देखते हैं कैटरिस्टिक्स ऑफ ऊल ऊल के कैटरिस्टिक्स क्या होते हैं ऊल हैज़ मैनी कैटरिस्टिक्स इट इज सॉफ्ट एंड कम्फर्टेबल मुलायम होता है और आरामदेह होता है इट इज स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल बड़ा मजबूत होता है और लंबा टिकता है जैसे आप एक बार स्वेटर लेते हो तो यू आर गोइंग टू हैव इट फॉर फाइव टू सिक्स ईयर्स उसको फिर हम लोग साफ करके घर में रख देते हैं विथ फिनाइल इट इज अ स्ट्रांग एंड ड्यूरेबल इट हैज़ क्रीम्प दैट इज़ नेचुरल ब्लेंड इन फाइबर इट इज गुड साउंड एब्जॉर्बर सो इट इज़ बेस्ट सुटेबल फॉर पेनलिंग कंक्रीट हॉल्स फॉर बेस्ट एकुस्टिक्स ये क्या होता है जनरली पिक्चर्स हॉल वगैरह में दिस इज़ बिंग यूज बिकॉज ऑफ साउंड का जो है वो एब्जॉर्बशंस होता है इसके अंदर उल गिवस अस ए लॉट ऑफ वॉर्म एंड कम्फर्ट इन विंटर क्वालिटी ऑफ उल फाइबर ऊल फाइबर के क्या क्या क्वालिटी होते हैं द क्वालिटी ऑफ उल इज डिटरमाइंड बाई द फॉलोइंग फैक्टर फाइबर फेलनेस लेंथ उसकी लंबाई कितनी है जितना लंबा ऊल का थ्रेड होगा उतना ही वो महंगा और अच्छा होता है स्केल स्ट्रक्चर कलर क्या है उसके क्योंकि ऊल के कलरिंग जो होती है दैट इज़ वेरी डिफरेंट प्रोसेस एंड दिस इज डिफिकल्ट प्रोसेस टू गेट इट कलर्ड क्लीननेस उसमें सफ़ाई कितनी है अगर ऊल बहुत साफ़ सुथरा होता है अच्छा होता है तो दिस इज़ अ गुड क्वालिटी फ्रीडम फ्रॉम डैमेज और खराब होने से कितना ज़्यादा सेफ़ है क्वालिटी ऑफ ऊल डिपेंड अपन द एज एंड द हेल्थ कंडीशन ऑफ द एनिमल अब वो कैसा है सीप है पर बीमार है मरा हुआ जैसा लग रहा है तो उसका क्वालिटी ऊल का अच्छा नहीं होगा वो हेल्दी होना चाहिए एकदम पूरा मस्त फिट होना चाहिए तो द क्वालिटी विल बी ऊल ऑफ द बेटर चूंकि उनके जो बाल होते हैं ना उसी से ऊल बनते हैं ऊल ऑप्टेंट फ्रॉम एन एनिमल ऑल्सो डिपेंड ऑपन द बॉडी पार्ट ऑफ़ द एनिमल फ्रॉम विच इट इज ऑपटेंड उसके बॉडी पार्ट से भी वो डिपेंड जैसे सर के पास जो उसके फर होते हैं वो उनकी क्वालिटी डिफरेंट होगी जो बॉडी पे होगा उसकी अलग होगी जो पेट के पास होते हैं नीचे उसकी क्वालिटी डिफरेंट होगी जो लेग्स के ऊपर होते हैं उसकी क्वालिटी डिफरेंट होगी तो बेसिकली आपको ये समझना है कि द क्वालिटी ऑफ उल इज़ डिपेंड ऑन फैक्टर्स एक तो वो एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो एनिमल्स कितना हेल्दी है कितना फिट है तो उसकी क्वालिटी डिफरेंट होगी Wool obtained from an animal also depend upon the body part of the animal from which it is obtained. The wool from the soles and the soldiers of the sheep is usually superior to, to that obtained from other parts of the body. Wool fiber of diameter less than 25 microns can be used for garments, which quasars grades are used for outer wear or rugs. The, the finer the wool, the softer it will be, while quasar मोर ड्यूरेबल एंड लेस प्रोनो टू पीलिंग्स अब देखो प्रोसीजर्स ऑफ उल जो होता है ना वो बड़ा डेंजरस होता है एंड दिस इज लॉन्ग प्रोसेस इसके अंदर बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जैसे कि उल इज प्रोसेस इन फॉलोइंग स्टेप्स जैसे सियरिंग है ठीक है द हेयर ऑफ शिप्स एलोंग विद थिन लेयर ऑफ स्किन आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी ऑफ शिप द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हेयर From द बॉडी ऑफ ए सीप इन द फॉर्म ऑफ fleeces कोल्ड शेयरिंग उसको क्या करते हैं कि जो बकड़ा होता है उसको वो पहले उसको बात कराते हैं उसको पूरा वो क्लीन हो जाता है साफ़ सुथरा हो जाता है ठीक है साबुन से नहलाते हैं उसको तो उसका क्या होता है पूरा साफ हो जाता है उसके बाद उसके जो हेयर्स होते हैं उसको वो लोग कटिंग करते हैं कटर मशीन से तो शेयरिंग डज नॉट हर्ट द सीप वो जो वो जो शेयरिंग प्रोसेस होता है उसे उसको कुछ नुकसान नहीं पहुँचता है बिकॉज द अपर फ्रंट ऑफ द लेयर ऑफ द स्किन सीप इज डेड चूंकि जो सीप होता है ना उसका जो पहला लेयर होता है वो डेड होता है वो उसको नुकसान नहीं पहुँचता है इट इज टू बी टफ दियरिंग ऑफ सीप इज ड हॉट वेदर ऑफ समर ये जब गर्मी होती है तभी किया जाता है सो दैट सीप में सर्वाइव विदाउट देअर हेयर गर्मी के मौसम में उसके जो बाल हैं ना वो निकाले जाते हैं जिससे क्या होता है ठंड में उसके ऊल बन जाते हैं और गर्मी में निकाला जाता है इसलिए उसको ज़्यादा ठंड नहीं लगता है तो ये इस तरीके से बहुत सारे प्रोसेस हैं इनको फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और आप तब तक इसको लर्न करते रहना ठीक है होप आप सब लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा वी आर गोइंग टू प्रिपेयर टू वीडियोज इन दिस चैप्टर और मे बी यू सी फर्दर एम सी क्यूज क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आपको नहीं करना है एम सी क्यू फिल इन द ब्लैक ट्वेंट फॉल्स दीज ऑल थिंग्स यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग इन द फेयर बुक ठीक है चलो थैंक यू